finally in the Fortuner after it cost approximately 1 crore. ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी में घर मिले ना, मतलब ऐसा फील होता है कि आप घर पे बैठे हो. सिर्फ आपको पुश करना है ऑटोमेटिक पीछे. तो अगर आप गाड़ी में सोना भी चाह रहे हो ना, तो नई बीच कौन सी आ रही है? अब लेनी है राप्टर. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सो भाई साहब, थार की चाबी तो हमारे पास है, बट थार लेके हम नहीं जाएंगे. सिर्फ थार से चश्मा हमने अपना निकालना है. और लेके हम क्या जाएंगे आज? लेके कुछ नहीं जाएंगे आज, लेकर आएंगे. दो काम एक साथ करो तो ऐसे ही होता है. एक चीज़ के काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि तुम भैया फॉर्चुनर कहाँ है, उस पर कोई अपडेट नहीं आ रहा है. अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था, बट वो डिले हो गया. और आज जिप्सी देखने मैं नहीं जाऊँगा, जस्ट बिकॉज कल भी गए थे तो कुछ खास जो है काम उस पर हुआ नहीं था. तो रोज़ रोज़ जाके बस वही इंटीरियर का क्या दिखाएं. अब मैं सोच रहा हूँ जिस दिन नीचे मैटिंग वैटिंग हो जाएगी, सीट्स वीट्स के सीट कवर लग जाएंगे और पीछे भी जो है सारा सिस्टम सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे ना, ताकि आपको लगे भी कि हाँ भाई कुछ हुआ भी है. बाकी जिमनी की लिफ्ट किट ऑर्डर की हुई तो है 27 तारीख की, वो डेट दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है 27 से भी शायद एक दो दिन डिले हो जाएगा. बस यही कुछ प्लान है फिलहाल. साहिल भैया के साथ मैं जाऊँगा. फॉर्चुनर कहाँ है, क्या है, और उसके बाद आज के क्या प्लान है, वो सारे कंटिन्यू करेंगे. बाकी ठंड का पूरा पूरा मजा लिया जा रहा है, तो चलिए करते हैं तोते उड़ा दिए. तोते इधर रोज कहीं उड़े हुए हैं. तो ये बोतल आप ही की है, मैं कुछ नहीं लाया हूँ. ये सारी सिंपल पानी की बोतलें ही हैं. सिंपल पानी पी रहे हो क्या आजकल? ये अखबार की चित्रे कर दी मैंने. चित्रे ठीक है. क्या सुबह खाना नहीं खाया था भैया? चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म ना हो तो मजा नहीं आता चाय. तो चलिए गाइस, अभी चाय आ गई है. इधर देखिए अजहर भैया द सुपर स्टार. अजहर भैया क्या हाल चाल है? दो दो दिन से मिले नहीं आप? अच्छा कल नहीं आया था. चलो कोई नहीं, तो गाइस चाय पीते हैं और फिर अगला काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं. फाइनली इन द फॉर्चुनर आफ्टर मुझे लगता है 10 दिन के बाद, 10 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं जो मैं फॉर्चुनर चला रहा हूँ अपनी. तो क्या स्टेटस है? सब लोग कह रहे बेच दी, क्या अपडेट है? नहीं भाई बेची नहीं है, अभी अपने पास ही है. बस अपने घर पे नहीं लगाई है मैंने, ये है मसला. तो चलो अभी जा रहा हूँ एक गाड़ी का रिव्यू करने के लिए. रिव्यू मतलब फुल रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि फुल रिव्यू वीडियो आप देखोगे नहीं. बेसिकली क्या है, ये ऐसी गाड़ी है जिसका जब ये लॉन्च हुई थी ना, तो मेरा बहुत मन था इसको देखने का. मतलब गाड़ियों में मैं हमेशा इंटरेस्टेड ही रहा. बट क्या है कि कंपनी ने कभी भी जाके शोरूम में वीडियो बनाने नहीं दी, और कोई ओनर ऐसे थे नहीं जिनके साथ बन पाए. और फाइनली अभी ना जिनकी गाड़ी है उनसे किसी और गाड़ी के रिलेटेड बड़ी तगड़ी सी गाड़ी अभी उनके पास नहीं है, गई हुई है कहीं. तो जैसे वापिस आएगी वो गाड़ी पे भी आपको वीडियो दिखाएंगे. प्लस उन्होंने कहा कि यार ये गाड़ी भी है, मैंने कहा यार मैंने भी देखनी है. तो बाकी फॉर्चुनर का जो भी स्टेटस है वो तो चलो बताएंगे आपको भी बाद में क्या चल रहा है दिमाग में. अभी क्या है, चीजें पहले नहीं बोलनी, अभी चीजें हो जाए उसके बाद ही बोलनी है, पहले नहीं बोलनी. ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी में घर मिले ना तो अच्छा भी लगे. नहीं पहुंच चुके हैं अपनी ऑफ रोड की लोकेशन पे, लेकिन जो आज गाड़ी है ना वो गाड़ी हमारी ऑफ रोड वाली नहीं है. तो हमारे साथ है किया कार्निवल, और वहीं पे साथ में हमारे ओनर भी जुनेद भाई एंड बासित भाई. जुनेद भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो बासित भाई? आप भी ठीक हो? क्या हाल है? और बताओ. बढ़िया एकदम. अभी मेन गाड़ी, जैसे कि मैंने आपको चैनल पे आने से पहले ही बता दिया ना कि भाई मेन गाड़ी तो हमारी अलग है, बट ये वो गाड़ी है जो मैं बड़ी देर से देखना चाह रहा था. और मतलब जैसे अभी हम बैठ के इस गाड़ी में आए बिना मैंने उस टाइम शूट नहीं करा, बट जो फील इस गाड़ी के अंदर आती है और क्या वो चीज़ें हैं खास. सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम इंडियन रोड्स की बात कर लें और उसमें भी अपने जम्मू की बात कर लें, तो भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी, बहुत ही लंबी चौड़ी गाड़ी है. और अभी बॉडी टाइप की बात कर लें तो ये MPV कह सकते हैं, इसे मल्टीपर्पज व्हीकल हम जो है इसे कह सकते हैं. तो देखने वाले हैं क्या इस गाड़ी में खास है. इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी जब आप जम्मू की रोड्स पर चलाते हो तो क्या फील आती है? पहली बात तो ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट व्हीकल इन इंडिया मार्केट, एंड यू विल फाइंड हार्डली एनी कंफर्टेबल कार इफ यू कंपेयर किया कार्निवल विद इट. अगर हम देखें इसमें आई थिंक टोयोटा वेलफायर है. इट्स ऑलमोस्ट इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 crore, बट दिस व्हीकल इज हाफ ऑफ द प्राइस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार. रेस तरुण भाई आपको
दिखा दें। जैसे इन्होंने बताया गाड़ी के बारे में, तो आप सबको पता चल चुका होगा। मतलब मैं सच बात बताऊं तो मुझे गाड़ी से ज्यादा तो युनेत भाई की उस बातचीत पे ज्यादा है। अच्छा, ऑफ द कैमरा। तो बस यही सीन है। तो सबसे पहले तो भाई गाड़ी, मतलब यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तो मैं किया के शोरूम 3-4 बार गया, बट उन्होंने मुझे कभी रिव्यू नहीं करने दिया। पता आपको, वो अलाउ नहीं करते थे, कह रहे सर हमारे नहीं, तब आप मेरे उसमें नॉन में थे ना, तो वो चक्कर। तो सबसे पहले तो यार देखो, कुछ इस तरह की है इस गाड़ी की, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ठीक है। मेन चीज जो है ना गाड़ी के, वो आपको बाहर से शायद डिजाइन वाइज उतना लग पाए नहीं लग पाए, लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी के जाओगे अंदर, ये देखो, मतलब अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कैसी किसी चीज में आ गए हो। और जो इसका फील आपको अंदर आता है ना, मतलब क्या कुछ इसमें खास है, सबसे पहले तो देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और सबसे जो मेन चीज है ना वो है इसका कंफर्ट। इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर आके ना, मतलब फीचर्स वगैरह का तो उतना पता ही नहीं लग पा रहा है। तो सबसे पहले तो बासित भाई मुझे बताएंगे क्या चीज है जो सबसे खास है। एक तो दो सनरूफ है यार, वो तो बस वो दिखाने वाली चीज है, बट मेन चीज जो इसमें कंफर्ट है इसका, ठीक है, मतलब ऐसा फील होता है कि आप घर पे बैठे हो। जैसे अभी हम क्या है कि ऑफ रोड जैसी लोकेशन पे आए हैं, बट पीछे कोई बम्प कुछ फील ही नहीं होता है। तो इससे पहले आपके पास इनोवा थी, तो ये इनोवा से कंपेयर होती है किसी भी एस्पेक्ट में कि नहीं? नहीं, ये तो डिफरेंट, ये तो एक कह सकते हैं वैन टाइप है। इनोवा डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है, वो डिफरेंट चीज है, उसको इसे कंपेयर करना गलत। इसका कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं वेलफायर है, जो कि अब ज्यादा, बहुत ज्यादा प्राइस ब्रैकेट में चला गया। हाँ हाँ। अब 1 करोड़ की, पहले तो सस्ती थी, 60-70 की थी। ओके ओके ओके, मतलब ये आपकी सेल्फ ड्रिवन कार नहीं होती है, ये आप एक ड्राइवर रखोगे और ये आपकी जो है पीछे बैठने वाली कार होती है। इसलिए फ्रंट में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बहुत ताम झाम वाला सिस्टम नहीं। बाकी बेसिक फीचर देखो, क्रूज कंट्रोल वगैरह, मोड्स वगैरह, बाकी इस तरह कुछ डिस्प्ले आ गया, फिर ये नेविगेशन वगैरह आ गया। यहाँ पे जो है मोड्स वगैरह आप सारे देख सकते हो, ठीक है ना। वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसको, ठीक है। ये वाली साइड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सीट है, वो वाली जो है वो सिंपल वाली सीट। लेकिन जो मेन चीज है ना इस गाड़ी की, जो मेन सही चीज जो देखने वाली है कि क्यों भाई ये गाड़ी इतनी किया की गाड़ी है, इतनी महंगी एक्सपेंसिव गाड़ी है, क्या लग्जरी लाइन के इसके फीचर हैं, वो सारी चीजें हैं इस गाड़ी में पीछे। बेसिकली क्या है, ये कम स्पेस लेने के हिसाब से बनी हुई है, सिर्फ आपको पुश करना है ऑटोमेटिक पीछे, समझ रहे हो। तो ये जो है सबसे मेन, बाकी आप गाड़ी देख रहे हो, पन्निया वन्निया भी अभी जो है सारी लगी हुई है। अब आपको पीछे की सीट का जो है वो फील बताते हैं कि भाई पीछे बैठ के आपको किस तरह का फील आता है। सबसे पहले तो आप स्पेस देखो, अभी ये वाली सीट जो है ये पूरी तरह से आगे नहीं की हुई है, तब भी आप देखो कि कितना ज्यादा स्पेस है। बाकी उसके बाद अगर हम यहाँ से आपको साइड पे दिखाएं, ठीक है ना, तो ये वाली सीट है। अब यहाँ पे देखो इस सीट पे कितनी तरह की एडजस्टमेंट्स दी हुई है, तो सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है, सीट को आगे और पीछे करना है, एक चीज आगे, ये है सीट को आपको यहाँ करना है या यहाँ करना है, ये एक चीज आ गई, इससे आपका बीच का स्पेस जो है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी ये जो आ गया ऊपर नीचे का आ गया, प्लस जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, मतलब आपको यहाँ पे फुटरेस्ट जो है वो प्रॉपर वाली मिल जाएगी। तो अगर आप गाड़ी में सोना भी चाह रहे हो ना, तो कोई भी कहीं पे भी लग्जरी चीज की कोई कमी नहीं है। बस इधर सोए हो कभी गाड़ी में? नहीं यार, कह रहे हैं तो उस गाड़ी में क्यों सोना ना, इतनी कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल। बाकी पीछे वाली अगर हम रो की बात कर ले, तो लास्ट वाली रो है ना, उसमें मतलब हमेशा कॉम्प्रोमाइज स्पेस मिलती है, बट इसमें मुझे उम्मीद है एक बार मैं आपको ना बैठ के दिखा देता हूँ कि पीछे वाली जगह आपको कितना स्पेस मिलने वाला है। इसमें घुसने के लिए भी देखो कैसे आराम से जो है आप घुस सकते हो, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे अगर आप बैठ रहे हो, अब देखो आप स्पेस, तो ये बेबी सीट्स तो नहीं कहेंगे, प्रॉपर एडल्ट जो है इसमें बैठ सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ, एंड कर्टन वगैरह जो है इस सारा, और बाकी अगर आपको डोर बंद करना है, कोई मेहनत का काम करना ही नहीं भाई, कोई मेहनत नहीं करनी है, मतलब मगर आलसी नहीं होना, काम करना है भाई। ये देखो गाड़ी चाहे आपको जितना मर्जी आलसी बना दे, लेकिन आपने बनना नहीं है। बाकी इसमें आ गया पावर टेलगेट, भाई साहब इतना कुछ पावर है इसमें, तो टेलगेट तो मैनुअल नहीं होगा किसी भी हालत में। एंड देख सकते हो आप लिमोजिन कार्निवल, एंड पीछे अगर आप देखो भाई स्पेस, इस तरह का स्पेस मैंने कभी किसी गाड़ी में नहीं देखा है। बाकी एक और खास चीज आपको अगर दिखाएं, तो ये जो सीट है ना, यहाँ से दिखाते हैं, ये देखो कि मतलब सीट भी किस तरह से बंद होती है। तो ये चीजें मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, मतलब रिव्यू देखना एक अलग चीज है, और पास से जब आप प्रैक्टिकली एक चीज को देखो तो वो एक अलग ही चीज है। तो यही कुछ सारी चीजें हैं। और एक और चीज, जैसे इसकी डेप्थ काफी है, हाँ। तो नीचे रेयर टायर लग नहीं सकता, तो उसके लिए उन्होंने रेयर टायर वहां से काफी यहां कर दिया। अब दिखा सकते, तो भाई साहब पता नहीं होगा, हाँ ये देखो, मतलब कहां पे एक ही टायर है कि उस साइड भी है, एक ही है। तो ये देखो मतलब कि कहाँ पे एक ही आते सब गाड़ी में, नहीं दो नहीं, वैसे मुझे लगा ना ऐसी जगह पे क्या पता दो गाड़ी की स्पेस हो। तो ये चीज है, ठीक है, तकरीबन आपको जो है हर एक चीज दिखा दी। अब आ जाते हैं गाड़ी के, इसको करना है सीट को ऊपर नीचे, चलो जी अभी क्या इंजन पे,
तो चलिए जी अब दिखाएंगे आपको। ये 2000 सीसी आता है इसमें, 2000 समथिंग। ओके तो मैंने तो बस उसके पर्पज से ली थी गाड़ी, पीछे बैठने का, चलाने तो थी नहीं कभी। ठीक है। आज शायद मैंने जब से लाई पहली नहीं दूसरी बारी चलाई गाड़ी। अच्छा हाँ। और चली कितनी है अभी? ये 16,000 शायद चली है। तो कभी ऐसे मन भी नहीं करता चलाने का? इसमें मन करता है पीछे बैठने का, चलाने का नहीं। तो फील लेने का। तो यही सीन है। तो मतलब ये सारी चीजें थी, और सबसे मेन चीज जो इस गाड़ी की है ना, वो मतलब मैं भी देख के एक बार के लिए हैरान हो गया। मुझे बताओ ये कंपनी के अलॉयज है? हाँ। बाद में नहीं करवाए? इसके बाद एक्चुअली एक मॉडल आया था लिमोजिन प्लस वाला। ठीक है, लिमोजिन है, लिमोजिन बंद हो गया था, तो इसमें क्रोम अलॉयज आते थे सिर्फ। अच्छा, और किसी मॉडल में? तो ये है मतलब क्रोम एलॉयज। हालांकि कंपनी का जो लोगो है वो तो आपको एलॉयज के बीच मिल जाता है, बट क्रोम मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे व्हाइट या नॉर्मल शेड का आपको हमेशा मिलता है, बट क्रोम एलॉयज जो है वो काफी ज्यादा सही लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। तो तकरीबन सारी चीजें जो है हमने कवर की हैं, बट एक बारी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जो है वो तो सुनना बनता ही है। चारों ये पावर विंडोज है ऑटो अप डाउन के साथ। सबसे डिसेंट जो स्टॉक सिस्टम है ना मैंने अभी तक सुना है वो, मतलब हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब इतना स्मूथ है ना, मतलब मजा ही आ गया। मैं कहता हूँ आफ्टर मार्केट भी सबका ऐसा ही होना चाहिए। कितनी माइलेज? हाईवे पे मैं गया हुआ था, मेरे से ड्राइवर चला रहा था, तो ऑलमोस्ट 14-15-16 तक की भी कह सकते हैं। 16 तक? हाँ, कांस्टेंट स्पीड 80 से 100 के बीच। अच्छा, आ रही थी 15-16। क्या बात है। तो मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से इतनी एवरेज भी आपको मिल रही है, तो और क्या चाहिए। क्योंकि इंजन छोटा है ना इसका, 2000 से, और पावर बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए जी, गाड़ी के बारे में तकरीबन हर एक चीज जो है इंटरेस्टिंग वो हमने आपको बता दी है। तो अभी एक और चीज बता देते हैं, जैसे ये गाड़ी जो है बिकॉज बहुत ही कम चलती है और ये फॉर सेल भी है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, तकरीबन सारी चीजें आपको बता दी हैं कितनी चली है, क्या सिस्टम है, कैसे है, तो कोई भी इंटरेस्टेड बायर होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में जो है ड्राइवर का आपको नंबर जो है वो नीचे मिल रहा है, और 30 लाख का जो है प्राइस इसका है, मतलब बड़ा कम सा ही नेगोशिएबल है। तो अगर कोई भी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। फाइनली पहुंच चुके हैं त्रिकुटा नगर मेन मार्केट। देखो सब लोग आग का मजा ले रहे हैं। धीरज भैया क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सुनाओ, आग का मजा ले रहे हो? आज कुछ हवा था ना, ज्यादा हवा था। सही है सही है सही है। और बताओ, सुबह भी आप लोग का आशीर्वाद है। अच्छा, माता रानी कृपा है, आप हम पे आशीर्वाद करो, हम नई गाड़ी ले। देश भैया बहुत बड़ी बात बोल दी है। चलो बहुत जल्द। अच्छा बहुत जल्द। चलो जी गाइस, माता रानी कृपा रहेगा। चलो जी, माता रानी कृपा रहेगी तो चलो लैम्बो भी आएगी। अक्षय भैया और बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हो? जिस दिन गर्मी होती है उस दिन आपने जैकेट पहनी होती है? गाड़ी में पड़ी हुई है। आज मैंने अंदर इनर पहना है। गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में। अच्छा, मैंने कहा क्या पता ये भी आपने ले लियो पैसा, स्मॉल टाउन को ना पता हो। हां, और गाइस इधर देखो, दो लोग काफी देर से खड़े कोई बातचीत कर रहे हैं। ठीक हो? अमन भी आप भी ठीक हो? बड़ी देर बाद मिले हो। आप ही नहीं मिलते, क्या बोल रहे हैं? बिजी बंदे हैं भाई, बड़े बंदे हैं, गाड़ियां गुड़ियां पता लेनी बेचनी होती हैं। ये मजाक था कि सीरियस था? सीरियस था। अब कौन सी बीस आ रही है? नई बीस कौन सी आ रही है? अब लेनी है रैप्टर। गाइस मैं परेशान हो गया हूँ, ये ऐसे वैसे बात करते। कुछ करवा रहे थे आप? कुछ नहीं भाई, आगे वो पॉकेट चेंज करवा ली। मतलब देखो यार, देखो पैसे की हमेशा ना बात ही ऐसी होती है, जैसे फॉर्चुनर है, इसमें फॉग लाइट आएगी भी, बहुत बढ़िया भी आएगी, बट स्टिल इन्होंने जो है चेंज करवाई है ये। इसमें क्या खास है? डिपर है। अच्छा, डिप मतलब फॉग लाइट में डिपर, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमैन की तरफ से आ चुका है एक और बम्पर, दूर जाएगा कहीं इतनी पैकिंग वैकिंग में आया है। तो चलो, सो गाइस फाइनली वी आर बैक होम, और इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। निकले तो लॉट ऑफ प्लान्स इन द माइंड, बट खत्म हुआ तो कोई प्लान नहीं है। कब तक चलेगा ऐसे, कब तक? मैं आप लोगों से नहीं, खुद से पूछ रहा हूँ, कब तक? चलो कोई नहीं, अब पता नहीं ये दो दिन की एक साथ आएगी कि एक अकेली आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। सपोर्ट करते रहो, कोशिश कर रहे हैं। बाय बाय।